बिग बॉस कंटेस्टेंट जिग्ना वोरा 9 महीने की जेल काट कर आ चुकी है। जी हाँ, वो 9 महीने तक जेल में रही हैं और उन पर मर्डर के चार्जेस भी लगे हैं। और इस बात का खुलासा खुद जिग्ना वोरा ने हाल ही के एपिसोड में बिग बॉस में किया है। जब से बिग बॉस 17 शुरू हुआ है तब से ये शो लगातार धमाका मचा रहा है और ये शो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया तक सभी सेलिब्रिटीज ने इस बार बिग बॉस 17 में एंट्री ली है। और हाल ही के एपिसोड में जिग्ना वोरा ने अपने अतीत कंट्रोवर्सी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जिग्ना मुनव्वर के सामने बताती हैं कि उन्होंने 9 महीने जेल काटी है और उन पर मर्डर चार्जेस लगे हैं। उन्होंने बताया कि वो एक्स क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हैं। 2004 में उन्हीं के कलीग ज्योतिर्मय डे के मर्डर के केस में उनको अरेस्ट किया गया। इसके बाद 2018 में उन पर लगे सभी आरोप झूठे साबित हो गए और जिग्ना को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यही नहीं, जिग्ना की इस कंट्रोवर्सी पर एक वेब सीरीज भी बनी है जिसमें कि करिश्मा तन्ना ने काम किया है। आगे जिग्ना वोरा ने इस पर बताया कि मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मैंने किसी अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर को टिप पास की है, क्योंकि मैंने मर्डर के 1 हफ्ते पहले उसका इंटरव्यू लिया था। मुझे 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा था, फिर मुझे 9 महीने बाद जमानत मिली। इसके बाद स्ट्रगल और ट्रायल शुरू हुआ और 2018 में मुझे सारे एलिगेशन से बरी कर दिया गया। ये होना ही था, मैंने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया है। उन्होंने इस पर आगे बात करते हुए बताया कि इन सालों में मेरी फैमिली मेंबर्स की मौत हो गई है, अब सिर्फ मैं और मेरे बेटे हैं। जब मैं बिग बॉस में आई तो मैं सबको शमशान में छोड़कर आई हूँ। और आपको बता दें कि जिग्ना की जिंदगी पर हंसल मेहता ने स्कूप नाम का वेब सीरीज बनाया है जिसमें कि करिश्मा तन्ना ने काम किया है और आप इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। वेल, जिग्ना वोरा की कंट्रोवर्सी सुनने के बाद घरवालों का रिएक्शन भी सामने आया है। घरवालों ने जिग्ना से कहा कि आपके इस पास्ट ने हम लोगों को बिल्कुल हिला के रख दिया, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इस पर जिग्ना ने कहा कि मैं सब चीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ कि पहले मेरा जो कैरेक्टर था, अगर आप मुझसे पहले मिलते तो मैं ऐसी ही भाषा समझती थी, मैं ऐसे ही लोगों को ट्रीट करती थी, मैं ऐसे ही बात करती थी, तो ऊपर वाले ने मुझे उसी लैंग्वेज में समझाया है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इसको लेती हूँ। और शायद वो नहीं होता तो मैं बिग बॉस में नहीं होती। जो भी चीज़ हुई है उसने मुझे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। मैं पहले के कंपेयर में अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ और मैं अब खुद से खुश हूँ। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।